कृष्ण कन्हैया लाल की चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरा जा प्रवीश प्राप्त प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्ण सततं नमामि ब्रह्माप्रिया जगर्णाय जात सर्वस्वता भवसिन्धुत्रात् विज्ञानदाता निज धर्मदाता दिने कबंधो शरण प्रपदे दिने कबंधो शरण प्रपदे श्री कृष्ण कन्हैया लाल की श्री सद्गुरु महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री पांच नवतन पुरी धाम की गुरु आचार्य श्री अक्षर कृष्ण जी महाराज की समस्त सुंदर साथ की, प्राण सुंदर साथ से बीतक प्रशिक्षण में सत्रहवा प्रकरण इसकी पचपनवीं चौपाई तक की चर्चा हो गई है प्राणनाथ जी महाराज के मुखारविंद से हफ्सा प्रबोधपुरी में वाणी अवतरण हो रही है तो मैंने कल भी हफ्सा का भी अर्थ किया था प्रबोधपुरी का भी अर्थ किया था तो वो प्रबोधपुरी जहाँ पर पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता हो बोध प्राप्त होता हो आत्मज्ञान मिलता हो यथार्थ ज्ञान सत्य ज्ञान आत्मिक ज्ञान आध्यात्मिक ज्ञान कुछ भी कह सकते बोध शब्द है उसमें प्र उपसर्ग है प्रबोध पूर्ण बोध पूर्ण बोधिसत्व बुद्धत्व जहां पर प्राप्त होता हो ऐसे को बोलते हैं प्रबोध तो वैसे था तो नजरबंद में नजरबंद का स्थान प्राणनाथ जी नजरबंद में थे फिर क्यों कहा प्रबोध क्योंकि वहां ब्रह्म ज्ञान का अवतरण हुआ यह वाणी जहां पर प्रकट हुई यह जागृत बुद्धि का ज्ञान जहां पर प्रकट हुआ ऐसा और प्राणनाथ जी महाराज को पूर्ण रूप से साक्षात्कार हुआ इसलिए इस स्थान को प्रबोध कहा तो प्रबोधपुरी के मध्य जी महाराज के मुखारविंद से वाणी अवतरित हो रही है तो यहाँ पर यही कहा पचपन चौपाई में यूं करते चर्चा जब्राइले किया जोर आया जो सही न समय कछु न रही खोर बस अब वो प्राणनाथ जी महाराज के मुखारविंद से इस तरह से दिव्य वाणी प्रकट हो रही है कि वे आंख बंद करके चर्चा कर रहे हैं मुख से वो वाणी निकाल रहे हैं प्रस्फोटित हो रही है प्रकट हो रही है जबराइले किया जोर यह अरबी शब्द यहाँ पर प्रयोग करते हैं लालदास जी महाराज मैंने कल भी कहा था कि यह एक मुसलमान लोग इसको फरिश्ता बोलते हैं कोई भी कार्य करने के लिए शुभ कार्य के लिए कोई अच्छा कार्य करने के लिए खुदा अपनी शक्ति भेजता है अपनी शक्ति के द्वारा वो कार्य पूर्ण करवाता है ऐसा उनका मानना है देखिए यह तो सनातन परंपरा की यही बात है हमारी प्राचीन परंपरा सनातन परंपरा में भी यही तो है कि यदा यदा यम से ग्लार्भवती भारत अभ्युत्थनम धर्म से तदा सृजा ये कह न परित्राणाय साधूना विनाशा चुष्कृता धर्म संभवामि संभवामी युगे युगे ये कहा न भगवान ने क्या कहा जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म का बोलबाला होगा साधु सज्जनों दुखी होंगे और दुष्ट दुर्जन का साम्राज्य होगा उनका ही बोलबाला चलेगा तब मैं क्या करूंगा धर्म संस्थापनार्थ आय संभवामी युगे युगे मैं धर्म संस्थापनार्थ दुष्ट दुर्जन को उन्हें निग्रह करने के लिए उनका वध करने के लिए और साधु सज्जनों का बोलबाला उनकी सत्ता स्थापना करने के लिए मैं बार बार अवतार लूंगा यही तो है तो अपनी शक्ति भेजते ही रहते हैं जब जब जरूरत उनको लगे शक्ति भेजते हैं तो इसी अनुरूप यहां कहते हैं ने किया जोर अब प्राणास महाराज के अंदर क्या प्रकट हो गई कि जबराइल मतलब राज्य का जोश प्रकट हुआ राज्य के जोश के द्वारा वाणी प्रकट हो रही है तो उन्हें बहुत जोश आया उत्साह उमंग और रोमांच हो रहे हैं और उन्हें लगा कि अब कोई कमी नहीं है खोर मतलब कुछ भी अब कमी नहीं रही पूर्ण हो गए मतलब राज्य के दर्शन हो गए श्यामा जी के दर्शन हो गए और वाणी अवतरित हो रही है आत्मा का जो जो मन में दुख था कष्ट था क्यों ऐसा मेरे पर जुल्म हुआ ऐसा कठिन परिस्थिति ऐसी कठिन परिस्थिति मेरे पर क्यों आई ये सब शंका कुशंकाएं आशंकाएँ थी वो नष्ट हो गई अब हृदय आनंद और उल्लास से भर गया आनंद उल्लसित हो गया ये कहने का मतलब है तो हम आगे आ, शुरू करते हैं कहते हैं और बानी निकसी मुख से सुकलाम जम्बूर के ज्यों ज्यों आयतें उतरी उत्तम बाइये लिखी ए देखो अब यहां मैंने कल कहा था ना कि कुरान के अनुरूप खुदा ने इंसान को इंसान के कल्याण के लिए मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए चार ग्रंथ भेजे जिसको उपवित्र पवित्र ग्रंथ मानते हैं अलौकिक ग्रंथ मानते हैं तो चार ग्रंथ कल भी मैंने लिखवाया था है ना एक क्या है, इंजील। है? इंजील। हाँ इसमें तो इसमें क्या कहा है या पहले अंजीर कहा है लेकिन इसका मूल है इंजील ठीक है पहला दूसरा नंबर क्या है हा जबूर ठीक है तीसरा तौरात और चौथा कुरान तो इस तरह से बोलते हैं कि खुदा ने ये चार ग्रंथ इस तरह से मनुष्य के कल्याणार्थ ये पवित्र ग्रंथ भेजा तो यहां प्राणनाथ जी महाराज के मुखारविंद से अवतरित ग्रंथ को लालदास जी महाराज बता रहे हैं देखो सबसे पवित्र ग्रंथ तो यह है जो तुम अंजीर बोलते हो इंजील, जो परमात्मा के साथ में खुदा के साथ में खुदा के बंदे जो है उनका मिलन की बात करते हो ये तो रास की बात है प्राणनाथ जी महाराज ने जो रास उनके मुखारविंद से प्रकट हुई वो परमात्मा और आत्मा का जो दिव्य आ, मिलन जिसको बोलते आत्मा और परमात्मा का मिलन मिलन वही रास है तो रास का अर्थ है आनंद रसा नाम समूह जो आनंद का ही समूह हो आनंद का रस का ही घनीभूत स्वरूप हो रस है वो रास ही रस है तो आनंद का घनीभूत स्वरूप वो रास है तो प्राणनाथ जी महाराज के मुखारविंद से जो ज्ञान ग्रंथ ज्ञान प्रकट हुआ जिसको हम रास बोलते हैं वही इंजील ग्रंथ है उससे महान उससे अधिक रास का स्पष्टीकरण किसी ने किया ही नहीं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण जी के साथ में अनंत गोपियों ने जिस तरह से अखंड महारास की लीला रची लीला की वो सबसे पवित्र ग्रंथ सबके कल्याणार्थ वही ग्रंथ प्रकट हुआ इसलिए कहते हैं कि वो इंजील और दूसरा और बाणी निकसी से उसके बाद में प्राणनाथ जी महाराज के मुखारविंद से कौन सी बाणी निकली कि प्रकाश ग्रंथ गुजराती ग्रंथ प्रकाश जो गुजराती भाषा में है तो इसको लालदास जी महाराज बताते हैं यही जबूर है जो मुसलमान लोग जबूर मानते हैं हम जी महाराज के मुखारविंद से निश्रित प्रकटीभूत जो ग्रंथ प्रकाश ग्रंथ है उसको जबूर मानते हैं ज्यों ज्यों आयते उतरी बस जैसे जैसे आयते मतलब चौपाइया जैसी जैसी चौपाइयें प्रकट हो गई प्राणनाथ जी महाराज के मुखारविंद से उत्तम बाह्य लिखी ए देखो तब किस तरह से उत्तम बाई मतलब कौन पता है उद्धव जी जो प्राणनाथ जी महाराज के छोटे भाई है उद्धव जी उनकी परम परमधाम का नाम है उत्तम बाई तो उत्तम बाई ने उद्धव जी ने यह चौपाई लिखी प्राणनाथ जी महाराज तो आंख उनकी बंद होती थी जैसे बोलना शुरू करते थे क्योंकि जोश में बोलते थे इसलिए अब लिखते कैसे कौन लिखता जो सुनने वाले हैं, जो होश में है वही तो लिखेगा प्राणनाथ जी महाराज तो जोश में है जो होश में है वो लिखने का काम करेगा लेकिन लिख अब लिखने का काम किस तरह से करेंगे तो कहते हैं कि तब तो क्या था लकड़ी से भोजन बना करके तैयार करना होता था ठीक है तो लकड़ी से जब भोजन बनाते तो लकड़ी के कोयला बनता बनता है ना बस कोयले से दीवाल में लिखते थे जैसे जैसे जी महाराज बोलते थे वैसे उत्तम बाई उद्धव जी दीवाल में लिखते जाते थे तो यहाँ के उत्तम बाई ये लिखी है और कहते हैं कि ज्यों ज्यों उतरती गई त्युत्यू किए जमे फिर वहां से उतार के ले पुस्तक चढ़ाए तिन से देखो अब जैसे जैसे उतरती गई वाणी चौपाई उतरती गई त्युत्यू किए जमे जमे मतलब एकत्रित करते गए इकट्ठा करते गए कहते फिर वहां से उतार के अब दीवाल में कितने लिखेंगे संभव है नहीं ना तो हो सकता है ऐसा किया हो कि प्रारंभ में जैसे वाणी अवतरण होने लगी तो कोयला से लिखा हो और नज़रबंद में थे कुछ सामान तो मंगा ही सकते थे रानी ये सब देखती थी तो उनसे फिर कागज़ और लेखनी कलम की व्यवस्था करवाई हो अभी की जैसी लेखनी होती नहीं थी कलम पहले तो क्या था वो मोर पिच और या तो बांस से वो नोकदार बना करके फिर स्याही में डुबो डुबो करके ऐसे लिखना होता था स्याही भी घर में तैयार करते थे बाजार में मिलता नहीं था घर में ही तैयार करना होता था वैसे हमने भी स्याही तैयार की है हाँ वो अब यहाँ तो क्या बोलते हैं पता नहीं वो गुरास एक फूल आता है लाल कलर का वो पहाड़ी विस्तार में खूब होता है तो उसको ला करके के खूब पका पका करके वो रेड कलर का लाल कलर का लाल कलर की स्याही बनाते थे तो इसी तरह से अन्य कलर की भी ऐसी स्याही बनती थी तो वहाँ पर पेपर कागज़ और स्याही और लेखनी ऐसे मगा करके फिर उन्होंने क्या किया दीवाल से और पेपर में उतारने लगे कागज़ में उतारने लगे तो कहते फिर वहाँ से उतार के ले पुस्तक चलाए चढ़ाए तिन से बस दीवाल में जो लिखी हुई चौपाई है वो पुनः पुस्तक में चढ़ाया तो कहते हैं ऐ दो किताबें उतरी अंजीर और जम्बूर शटरुति भी इन समय इश्क बिरह का उतरा नूर अब हफ्सा में कौन कौन सा ग्रंथ कितने ग्रंथ कितनी चौपाई प्रकट हो गई यहाँ बताते हैं ये दो ये किताब रास और प्रकाश इंजील और जबूर तो इस तरह से यहाँ उत्तरी रास और प्रकाश शटरुति भी इन समय शटरुति ग्रंथ तो शटरुति ग्रंथ जो राज प्रकाश ठट ऋतु वो ग्रंथ भी उसी समय वहाँ प्रकट हो गई इश्क विरह का उतरा नूर बस सट ऋतु ग्रंथ में क्या है इश्क मतलब प्रेम विरह मतलब विरह हो गया तो प्रेम विरह का प्रेम और विरह का वहाँ पर वर्णन है षट ऋतु ग्रंथ में प्रेम और विरह का वहाँ निषद वर्णन किया गया है इस तरह से वहाँ पर यह ज्ञान रूपी प्रकाश प्रकट हो गया कलश बीज इन समय उठा इत अंकुर तबथे चढ़े दीव में हुआ सूरत में मजकूर अब यहाँ पर दूसरा बोलते कलश बीज इन समय जो कलश ग्रंथ कलश जो गुजराती भाषा का ग्रंथ है उसकी कहते हैं दो चौपाई प्रबोधपुरी में मतलब अपसा के मध्य वो अवतरित होती है उठा इत अंकुर अंकुर बीज मतलब अंकुर बीज मात्र वहाँ पर प्रकट हो गया सो तबे चढ़े दीव में अब कलश कहाँ पूर्ण हुआ कहते हैं जब प्राणनाथ जी महाराज जागनी महाअभियान के लिए जामनगर से प्रस्थान करते हैं नौतनपुरी धाम से तो कहाँ जाते हैं दीव बंदर तो दीप बंदर जाते हुए इसी यात्रा के दौरान कलश ग्रंथ की ग्रंथ के और प्रकरण भी यहाँ पर उतरते हैं तो दीप बंदर में यहाँ कहते हैं कि सो तब्थे चढ़े दीप में हुआ सूरत में मजकूर जब दीप बंदर गए वहां पर कुछ प्रकरण उतरे फिर ये पूरा कहाँ हुआ हुआ सूरत में मजकूर बस पूर्ण कहाँ जा के हुआ सूरत में जाकर के तो हुआ सूरत में जो कलश ग्रंथ की बात हाँ कलश ग्रंथ जो गुजराती ग्रंथ है तो ये जामनगर से उतरना चौपाई उतरनी शुरू हो गई और यात्रा के दौरान कई प्रकरण दीप बंदर जाते हुए और बाद में पूर्ण सूरत में जाकर के कलश ग्रंथ पूर्ण हुआ तो बेहद बानी उतरी दीप बंदर जल में जब तैयार भई तब जाने सिर लगा आसमान में तो यहाँ कहते हैं अब ये प्रकाश ग्रंथ की बात है प्रकाश ग्रंथ जो प्रकाश ग्रंथ में गुजराती ग्रंथ में बेहद बानी का एक प्रकरण है तो बेहद बानी उतरी दीप बंदर जल में जल में जाते हुए मतलब वो नौका यात्रा नाव में यात्रा कर रहे थे जलपोत में तो उसमें बेहद वाणी प्रकट होती है तो कहते हैं बेहद के साथी सुनो बोली बेहद वाणी बेहद के साथ ही सुनो बोली बेहद वाणी बड़े बड़े रे होए गए पर काहू न जानी वैसे ये अभी मैं जो चौपाई बोल रहा हूँ ये हिंदी में है लेकिन गुजराती में भी यही चौपाई है जैसे बाद में जैसे जी महाराज गुजरात से बाहर निकलते हैं फिर इसी को हिंदी में रूपांतरित करते हैं तो इसकी चौपाई है तो बेहद वाणी कहाँ पर प्रकाश ग्रंथ में जो बेहद वाणी है ये दीप बंदर जाते हुए जल यात्रा में यह प्रकट होती है जब तैयार भई तब जाने सिर लगा आसमान में बस ये पूर्ण रूप से तैयार हो गई ग्रंथ तैयार हुआ तो प्राणनाथ जी महाराज के हृदय में पूर्ण रूप से परमधाम का एक एक रहस्य खुल गया आटी घूटी सब खुल गई अब साक्षात्कार हो गया तो मानो वे कहते हैं कि आसमान उन्होंने छू लिया मानो मस्तक इतना मतलब गर्व से भर गया खुशी से आनंद से ऊंचा हो गया कि मानो मैं मैंने आसमान ही छू लिया हो तो जी महाराज को ऐसा अनुभव आनंद को आनंद का अनुभव होता है कि ये बहुत बड़ा कार्य हो गया ये सुंदर साथ के लिए और पूरे जगत के लिए ये तो बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो गया इसलिए उन्हें बड़ा आनंद मिलता है मानो ये आसमान ही छू लिया हो स्पर्श कर लिया हो ऐसा उन्हें अनुभव होता है और रास की रामते हुआ मेरते में विवेक और कीर्तन वेदांत के राह में भय अनेक और रास की अनेक जो रामत है वे जाकर के मेरता जब जागनी यात्रा करते करते मेरता पहुँचे थे राजस्थान मेरता वहाँ पर भी कई प्रकरण अवतरित होते हैं और कीर्तन वेदांत के राह में भय अनेक तो जो किरंतन है किरणन ग्रंथ तो जामनगर से लेकर नौतनपुरी धाम से लेकर के पूरी यात्रा में जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ वो कीर्तन ग्रंथ किरणन के प्रकरण उतरते जाते हैं किसी एक स्थान पर किरणन के प्रकरण उतरे हो ऐसा नहीं है नौतनपुरी धाम से लेकर सदगुरु जी के समय से लेकर के प्राणनाथ जी की पूरी जीवन या जीवन यात्रा में जहाँ जहाँ वे गए वहाँ परिस्थिति वहाँ की वहाँ का परिवेश और वहाँ की जो भी लोग हैं लोगों की मानसिकता है जनमानस को समझाने के लिए उसी परिस्थिति के अनुरूप होकर के वे कीर्तन तैयार करते थे इसलिए कहा कि और कीर्तन वेदांत के राह में भय अनेक जहाँ जहाँ गए अनेक कीर्तन अनेक प्रकरण इस तरह से तैयार हो गए और किताब तौरत उत्तरी बीच सूरत ताको कहया कलश सनंद सहर वखत तो यहाँ कहते हैं कि तोरेत जो पहले कहा जो कलश ग्रंथ को उन्होंने ये तोरेत है करके कहा तो ये उत्तरी बीच सूरत बीच सूरत में जा कर के ये पूरा ग्रंथ पूरा होता है ताको कहया कलश तो उसको उसका नामाभिधान किया कलश करके सनंद अनुपहर वखत सनंद अनुपहर वखत अनुपसर में सनंद ग्रंथ का अवतरण हुआ अभी तक क्या क्या हुआ रास प्रकाश शट ऋतु और कलश की दो चौपाई जामनगर में और कलश पूर्ण हुआ सूरत में ठीक है सनंद कहां पर अनुपहर में किरणतन कहाँ पर नौतनपुरी धाम से लेकर के पद्मावतीपुरी धाम तक बीच में पूरी जागनी यात्रा में सदगुरु जी के समय से लेकर के पूरा पूरे जी के जीवन यात्रा में वो उतरता गया ये किरणतन सर्वदेसी इसलिए कहते हैं सभी जगह उतरा किरणतन तो यहाँ कहते हैं और बाकी गुजराती भाषा फेरके करी भाषा हिंदुस्तान ए जो वास्ते ब्रह्म सृष्टि के सुख पावे कर पहचान अब यहाँ पर विशेष करके प्राण जी महाराज ने गुजरात से बाहर जब निकले अनूप शहर की ओर जब गए वहाँ पर दो ग्रंथ जो प्रकाश गुजराती एवं कलश गुजराती इन दो ग्रंथों को हिंदी में रूपांतरित किया ये कहाँ पर तो कहते हैं अनुप शहर में तो वहाँ अनुप शहर में बैठ कर के वे ऐसा दो ग्रंथों को हिंदी में रूपांतरित करते हैं अब उधर तो गुजराती भाषा लोग नहीं समझ पाते इसलिए सबको समझ में आए सबको सरल हो और ये विशेष ज्ञान को सबकी जरूरत पड़ेगी ज्ञान की जरूरत सब इस ज्ञान का लाभ ले इस भाव से उन्होंने इसे हिंदी में रूपांतरित रूपांतरित किया तो कहते हैं गुजराती भाषा फेर के करी भाषा हिंदुस्तान इससे क्या होगा ये जो सृष्टि ब्रह्मशिष्ट सुंदर साथ के लिए सुंदर साथ की जागनी के लिए ये पाकर के सुख पावे कर पहचान बस ये पढ़ करके उन्हें स्वयं के विषय में पहचान होगी सदगुरु जी के विषय में पहचान होगी पूरा परमधाम से लेकर के जागनी तक परमधाम ब्रज रास जागनी ये सारा का वृत्तांत है ना प्रकाश में है कलश में है पूर्ण रूप से दिया गया है तो सदगुरु का महत्व तो क्या है हमारे जीवन में मनुष्य जीवन का महत्व तो क्या है हम किस लिए इस संसार में आए हैं हमारा आने का हेतु क्या है और हम पुणिया से कहाँ लौटेंगे ये सारा विषय प्रकाश और कलश में विद्यमान हैं इसलिए सबको इसका लाभ मिले इसके लिए गुजराती से हिंदी में रूपांतरित प्राणासी महाराज ने किया आगे कहते केतिक वाणी धनिय की रामनगर में भया मूला तहाँ से विस्तार भया परना भया परना में बड़ा तुला बस कितनी वाणी है वो रामनगर में भी अवतरित होती है तो आ, से विस्तार भया वहाँ उतरना शुरू होती है वाणी फिर वहाँ जा कर के भया परना में बड़ा तूल बस विस्तार हुआ तूल मतलब बहुत बड़ा विस्तार हो गया पन्ना में जा कर के जो रामनगर में उतरनी शुरू हो गई थी जैसे कलश ग्रंथ का अवतरण का प्रारंभ कहाँ हुआ नौतनपुरी धाम में मतलब जामनगर में तो इसका विस्तार पूर्ण कहाँ हुआ सूरत में तो इसी तरह से कितने ग्रंथ खुलासा खिलावत आदि कितने ग्रंथ उतरना शुरू रामनगर में हुआ फिर बाद में जा कर के पन्ना में जा कर के ये पूर्ण होता है तो तहाँ से विस्तार भया भया परना में बड़ा तोल और बानी फिरकान की हद्दीस महमद्लाम भई सो सारी परनामिने बिच दीन इस्लामिया कहते हैं जो कुरान पक्ष की जो वाणी है कत पक्ष की जो वाणी है तो क्या खुलासा खिलवत मारफत और क्या मत इसको बोलते हैं आ, और बानी फिरकान की कुरान और हदीस को समझाने के लिए जो वाणी है हदीस मोहम्मद जो मोहम्मद सलाम मोहम्मद के लिए बोलते हैं मोहम्मद के द्वारा जो प्रकटित जो हदीस है कुरान है उस पक्ष के जो खुलासा खिलवत मार्फत क्यामत ये सारे भाई सो सारी ने बिच दीन इस्लाम बस पन्ना में जाकर के यह पूर्ण हो गए पन्ना में उतरते हैं जो प्रदक्षिणा निज धाम की सातों स्वरूप श्रीराज सो सारे ने वास्ते सयन के सुख काज तो यहाँ कहते हैं जो निज धाम की सात परिक्रमा जो परिक्रमा ग्रंथ में वर्णन है परमधाम की सात परिक्रमा ये परमधाम की सात परिक्रमा का वर्णन परिक्रमा ग्रंथ में है और जो श्रृंगार है उसमें राज जी का श्रृंगार श्यामा जी का श्रृंगार उनके वस्त्र आभूषण सब, सब का वर्णन किसमें है श्रृंगार ग्रंथ में ये ये कहने का मतलब परमधाम पच्चीस पक्ष का वर्णन सात परिक्रमा का वर्णन ये पूरा आ गया पच्चीस पक्ष में सात परिक्रमा उसी में वर्णन है और राज्य श्यामाजी सा सारे के सारे सुंदर साथ सबके स्वरूप शोभा का वर्णन श्रृंगार ग्रंथ में श्रृंगार जिसका नाम ही है ये सब सुसारे ने वास्ते संयन के सुख काज वो सभी पन्ना में विराजमान जब जी महाराज पदमावतीपुरी धाम में विराजमान है वहाँ पर क्या क्या परिक्रमा सागर श्रृंगार और क्यामत नामा ग्रंथ छोटा क्यामत नामा ग्रंथ भी वहीं पर पन्ना में अवतरित होता है और खुलासा खिलौत रामनगर में शुरू होकर के पन्ना में जाकर के पूर्ण होते हैं और परिक्रमा सागर श्रृंगार सिंधी और क्यामत नामा छोटा ये सभी पद्मावतीपुरी धाम में ही वहीं उतरते हैं वहीं पूर्ण होते हैं और एक ग्रंथ है जो नामा बड़ा ग्रंथ ये चित्रकूट में जब जी महाराज एक साल तक चित्रकूट में रहे थे वहाँ पर अवतरित होता है ये सारा यहाँ पर दिया गया कि सो सारे पर नामिने वास्ते सैय्य न कि सुख काज एक खिलवत और सागर केतिक वानी और सो हुई मुमिन वास्ते मजल पर और और इसके साथ साथ में जो मैंने पहले ही कहा इसके जो खिलवत और सागर भी वहीं पर पन्ना में पद्मावतीपुरी धाम में ही अवतरित होते हैं सुहुई मोमिन वास्ते सुंदर साथ के लिए मजल परना और जब मजल पन्ना में जी महाराज का मजल पन्ना पहुंचा, वो वहाँ जा कर के विराजमान हो गए तो वहाँ पर वाणी अवतरित इस तरह से होती है तो अब कहाँ 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 हुआ समझ में आया रास प्रकाश गुजराती शट ऋतु पूर्ण होते हैं जामनगर में प्रबोधपुरी में जिसको ये पूरे जामनगर कोई नौतनपुरी धाम कहा जाता है तो नौतनपुरी में क्या क्या रास प्रकाश गुजराती शट ऋतु और कलश गुजराती की दो चौपाई नौतनपुरी धाम में प्रकट होती है और रास की कुछ रामतें और रास ग्रंथ के जो प्रारंभ के पांच प्रकरण है मोहजल के प्रकरण ये मोहजल के प्रकरण दीप बंदर में उतरते हैं और रास की कुछ रामते हैं मेरता में उतरते हैं और जो कलश पूर्ण कहाँ होता है सूरत में उतरना यहाँ शुरू पूर्ण सूरत में और प्रकाश ग्रंथ में जो बेहद वाणी है ये वेहदवाणी प्राणनाथ जी जब दीप बंदर जाते हैं तो मार्ग में समुद्र पार करके जाना होता है तो उस समुद्र के बीच में देखिए अभी की तरह ऐसे चल के नहीं गया अभी तो हमें क्या लगता है वो सीधा हम ऊना पहुँचे और ऊना से थोड़ा आगे थोड़ा सा समुद्र भाग मिलता है उतना ही होगा ऐसा सोचते हैं ऐसा नहीं है जामनगर से जहाज जामनगर से उस समय जो चलते थे जलपोत वगैरह जामनगर से ही चलते थे इसलिए ये पूरी समुद्र यात्रा जल की ही यात्रा करते थे स्थल यात्रा बहुत कम करते थे तो जामनगर से जहाज में जाते हुए दीप बंदर पहुंचते हुए इसी समुद्र में बेहद प्रकट होती है ठीक और बाकी अब क्या रहा सनंद सनंद ग्रंथ कहाँ अवतरित हुआ अनुप शहर में और अनुप शहर में ही दो ग्रंथ का गुजराती का हिंदी किया कौन कौन सा गुजराती प्रकाश और कलश प्रकाश गुजराती और कलश गुजराती का हिंदी में बनाया अनुपसार में ठीक अब किरणतन कहाँ उतरा सर्वदेशी नौतनपुरी धाम से लेकर के पद्मावतीपुरी धाम तक पूरा यात्रा में किरंतन उतरा ठीक अब किरणतन के बाद में कौन सा ग्रंथ आता है खुलासा तो खुलासा ग्रंथ यहाँ कहा ना खुलासा ग्रंथ वो रामनगर में शुरू हुआ और पूर्ण हुआ कहाँ पर पद्मावतीपुरी धाम पर खुलासा के बाद में खिलवत वो पद्मावतीपुरी धाम में उतरा फिर खिलवत के बाद में क्या आता है परिक्रमा परिक्रमा ग्रंथ जो परिक्रमा ग्रंथ में परमधाम की परिक्रमा पच्चीस पक्ष का वर्णन है ये पूर्ण रूप से पद्मावतीपुरी धाम में अवतरित हुआ और परिक्रमा के बाद में सागर है ना परमधाम का पूर्ण रूप से वर्णन आठ सागर का वर्णन है तो यह भी पद्मावतीपुरी धाम में और श्रृंगार उसके बाद में क्या आता है श्रृंगार राज्य का श्रृंगार श्यामा जी का श्रृंगार सुंदर सात का श्रृंगार ये का वर्णन है श्रृंगार ग्रंथ में ये अभी पदमावतीपुरी धाम में और श्रृंगार के बाद में सिंधी सिंधी ग्रंथ भी पदमावतीपुरी धाम में और उसके बाद में मारफत मारफत ग्रंथ वहीं पर अवतरित हो गया और कैमत क्यामतनामा है कैमतनामा एक छोटा है एक बड़ा है छोटा क्यामतनामा पुरी धाम में और बड़ा क्या चित्रकूट में इस तरह से अवतरित होकर के वाणी अवतरण पूर्ण होता है तो श्री महामती कहे ए मोमिनो ए हादी मेहदी इमाम ताकि बीतक और कहो जो नूर दीन इस्लाम तो लालदास जी महाराजियाँ कहते हैं सुंदर शाह जी तो प्राणनाथ जी महाराज का परिचय देते हुए कहते हैं तो इन ये कौन है ये स्वरूप यही है हादि मतलब सदगुरु स्वरूप वही है क्योंकि सदगुरु जी इनके हृदय में बैठे हुए हैं इसलिए ये सद्गुरु स्वरूप हैं ये स्थापक है धर्मस्थापक धर्म की जिन्होंने स्थापना की ऐसे सदगुरु देवचंद्र जी महाराज इनके हृदय में हैं मेहदी है जिस सदगुरु जी ने स्थापना किया और प्राणनाथ जी ने क्या किया प्रवर्धन किया उसको फैलाया तो कहते हैं स्थापना करने का कार्य करने वाले देवचंद्र जी महाराज एवं प्रवर्धन करने वाले स्वयं प्राणनाथ जी एवं आखिरी इमाम बोलते हैं जैसे आखिरी जमाने के खावंद जो इमाम के रूप में प्रकट होंगे और सबको ज्ञान का प्रकाश दे करके सबको मुक्त कराएंगे ऐसा कुरान में कहा तो लालदास जी महाराज कहते हैं कि अब अंधकार में बैठने का समय नहीं है कि प्राणनाथ जी महाराज ही हादी कहो मेहंदी कहो इमाम कहो हे मुसलमानों यही है तुम आकर के इनके दर्शन करो इनका ज्ञान श्रवण करो ब्रह्म ज्ञान लेकर के और अपने दिल में जो भी अंधकार है उसको हटा लो और जो क्यामत की घड़ी का राहत देख रहे हो अब देखने की ज़रूरत नहीं है क्यामत की घड़ी आ गई है तो आखिरी ज़माने के खावंद जो परमा खुदा अल्लाह ने जो भेजा तो साक्षात परमात्मा स्वरूप है हादी मेहदी इमाम जिनके अंदर विराजमान हैं वो जी महाराज अब आ गए हैं ताकि बितक और कहो जो नूर दीन इस्लाम इतना ही नहीं बस उनकी उनका वितक है उनकी कहानी है बस उनकी जीवनी है मैं और भी आगे बताने वाला हूँ जो नूर दीन इस्लाम जो उनका जीवन और इसे इस सुनने से क्या होगा नूर मतलब प्रकाश दिन मत मतलब धर्म इस्लाम मतलब ये आत्मिक धर्म अध्यात्म धर्म निजानंद धर्म का प्रकाश होगा स्वयं को निजानंद की अनुभूति होगी जिनके कार्य से जिनकी जीवनी श्रवण करने से जिनके कार्य पर विचार करने से हमें स्वयं का अनुभव होगा वो ज्ञान मिलेगा वो प्रकाश मिलेगा तो यह धर्म का नीब है बुनियाद है ऐसा लालदास जी महाराज इस तरह से बताते हैं बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की आज यहीं पर रखते हैं प्रकरण पूर्ण हुआ तो सभी चौपाई दोहराएंगे श्री महामती कै मोमिन ए हादी महदी इमाम, इमाम। ताकि बीतका और कहो ताकी और जो नूर दिन इसलाम जो नूर दिन बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की श्री सद्गुरु महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे की जय